भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जिनमें फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया बड़े नाम हैं। और यही वजह है कि भारत के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले देश फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक 13 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में होगी। इस द्विपक्षीय वार्ता में तीनों देश समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही साथ भारत प्रशांत क्षेत्र में साझा चुनौतियों पर सहयोग करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। यानी कि ये बैठक तीनों देशों के बीच रायसीना डायलॉग्स और जियोपॉलिटिक्स पर होगी। इस बैठक में भारत के साथ ही साथ दूसरे देशों के 10 विदेश मंत्री और डेनमार्क के राष्ट्र अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, वो भी उद्घाटन और समापन सत्र में। बता दें, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन येवेस ले ड्रियन 12 अप्रैल को 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे, क्योंकि उनकी बैठक अगले दिन यानी 13 अप्रैल को विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिसे पायने के साथ होगी। बैठक के बाद वो पीएम मोदी और दूसरे नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं इससे पहले ही हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई। दोनों देशों के बीच छठे दौर की ये मीटिंग हथियारों के निरस्त्रीकरण और निर्यात नियंत्रण को लेकर हुई। इस वर्चुअल मीटिंग में दोनों देशों ने परमाणु, रासायनिक, जैविक हथियारों का निरस्त्रीकरण, पारंपरिक हथियारों, बाहरी अंतरिक्ष सुरक्षा और रणनीतिक निर्यात नियंत्रण के क्षेत्रों में पारस्परिक हित जैसे मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने बयान में बताया कि इस मीटिंग में दोनों देशों ने हथियारों के निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण और वैश्विक विकास की आपसी सहयोग पर बातचीत की। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों पर एक बार नजर डाले तो हाल के दिनों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। कई बार ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की तारीफ की है। वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया एक अहम सहयोगी भी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता दुनिया में उभरते नए रणनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी खासी अहम होने वाली है। महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलिया की स्कॉट मॉरिसन सरकार ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच अपनी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के नए रोड मैप पर काम शुरू हो सकता है। खैर, भारत के मजबूत फैसलों और कदमों ने दुनिया को यह एहसास करा दिया कि नया भारत काफी मजबूत है, काफी शक्तिशाली है। और अब जब 13 अप्रैल को भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की तिकड़ी मीटिंग करेगी तो चीन, पाक जैसे धूर देशों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।